ये जो नई नियोजन नीति पास हुई है ये पूरे तरीके से हमारी राजभाषा हिंदी का अपमान करती है, बहुसंख्यक समाज के हितों पर कुठाराघात करती है, अल्पसंख्यक वोटों के ध्रुवीकरण को करती दिख रही है और जो यहाँ के मूलवासी हैं सामान्य जाति के उनके साथ भी ये घोर अन्याय है। अब हम तो इनसे जानना चाहते हैं कि उर्दू कब से क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा की कैटेगरी में आने लगी, और उर्दू भाषियों से हमारा कोई विरोध नहीं है लेकिन इन्होंने उसी कैटेगरी से हिंदी को हटा दिया। इस नियोजन नीति को, इस राज्य विरोधी नियोजन नीति को हम लागू तो ना होने देंगे। ये लगातार बातें आती हैं कि जो आज जो रोजगार का मसला जो गंभीर बना हुआ है इसके केंद्र में भाजपा है, क्योंकि आपकी बनाई नियोजन नीति की वजह से इतने सभी लोग फंसे हुए हैं। नमस्कार, राज्य में रोजगार का मुद्दा बहुत बड़ा है और जब से ये सरकार वर्तमान सरकार बनी है तब से रोजगार को लेकर लगातार विपक्ष भी हमलावर रही है और छात्रों का आंदोलन भी एक तरफ चल रहा है। इस पूरे रोजगार के मसले पर जो केंद्र बिंदु है वो मामला है नियोजन नीति का, जिसको लेकर कल कैबिनेट में बात हुई कि एक नई नियोजन नीति तय होगी और इसके ठीक एक दिन बाद प्रतुल शाहदेव भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और इनका कहना है उसी नियोजन नीति पर अपनी बात रखना चाहते हैं। रोजगार के मसले पर लगातार आप लोग हमला करते रहे हैं कि रोजगार के मसले पर सरकार फेल रही है। अब सरकार ने कैबिनेट में कह दिया है कि हम नई नियोजन नीति को लाएंगे, क्योंकि नियोजन नीति के बिना उन तमाम त्रुटियों को दूर करना संभव नहीं था। देखिए, सरकार ने नई नियोजन नीति को तो कैबिनेट से पास कर दिया लेकिन ये जो नई नियोजन नीति पास हुई है ये पूरे तरीके से हमारी राजभाषा हिंदी का अपमान करती है, बहुसंख्यक समाज के हितों पर कुठाराघात करती है, अल्पसंख्यक वोटों के ध्रुवीकरण को करती दिख रही है और जो यहाँ के मूलवासी हैं सामान्य जाति के उनके साथ भी ये घोर अन्याय है। आप देखें कि मुख्य परीक्षा से एक किस तरीके का एग्जामिनेशन होता है, दो तरह का एग्जामिनेशन होता है, हिंदी इंग्लिश का स्क्रीनिंग पेपर होता है, तो वहाँ तक हिंदी है लेकिन मुख्य भाषा जो है जिसमें मेन जिससे सिलेक्शन होता है लोगों का, जिससे रैंकिंग मिलती है लोगों को और मुख्य चयन होता है उनका, उससे इन्होंने हिंदी को हटा दिया। पहले हिंदी थी, संस्कृत था, इंग्लिश था लेकिन इन्होंने हिंदी को हटा दिया। तो हम ये साफ मानते हैं कि ये राजभाषा हिंदी का अपमान है। पूरे हिंदी स्पीकिंग बेल्ट में आप देख लें तो किसी भी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने, स्टेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने हिंदी को अपने मुख्य पेपर से नहीं हटाया है, तो इन्होंने सिर्फ चालाकी करते हुए स्क्रीनिंग में हिंदी को रखा जिसके अंक का कोई गिनती नहीं होगी मुख्य परीक्षा में, चयन में, और मुख्य परीक्षा से इन्होंने हिंदी को हटा दिया। तो हम मानते हैं ये लाखों छात्रों के साथ अन्याय है और बहुसंख्यक समाज के हितों पर भी ये कुठाराघात है। और कुछ बातें हैं जिससे आपको आपत्ति, एक तो हिंदी हटाए जाने पर आपत्ति है वरना, लेकिन नियोजन नीति के समर्थन में आप लोग हैं कि नियोजन नीति बननी चाहिए थी। देखिए, नियोजन नीति बननी चाहिए थी लेकिन कैसी नियोजन नीति इन्होंने बनाई? इन्होंने क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा का जो कैटेगरी है उसमें उर्दू को शामिल किया। अब हम तो इनसे जानना चाहते हैं कि उर्दू कब से क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा की कैटेगरी में आने लगी, और उर्दू भाषियों से हमारा कोई विरोध नहीं है लेकिन इन्होंने उसी कैटेगरी से हिंदी को हटा दिया। तो साहब, आप उर्दू को रखकर बहुसंख्यक समाज के हितों पे आप हिंदी को हटाकर कुठाराघात कर रहे हैं और सिर्फ अल्पसंख्यक वोटों के ध्रुवीकरण के कारण आपने उर्दू को रखा, ये वोट बैंक का कार्ड खेल रहे हैं आप। और इससे भी एक महत्वपूर्ण बात है कि जो यहाँ के खतियानी रैयत है, अगर वो सामान्य जाति के हैं, वो अगर राजपूत है, भूमिहार है, ब्राह्मण है, कायस्थ हैं और यहाँ के खतियानदारी मूलवासी हैं और उनके बच्चों ने अगर मैट्रिक की परीक्षा किसी कारण से झारखंड से नहीं दी हो तो भी वो किसी स्तर की परीक्षा में भाग नहीं ले पाएंगे। तो ये तो सामान्य जाति के जो मूलवासी हैं उनके साथ भी ये घोर अन्याय है। तो ये सरकार की जो नियोजन नीति बनी है ये पूरे तरीके से डस्टबिन में फेंक देने लायक है। ये एक दिन नहीं टिकने वाली है, अदालत में नहीं टिकने वाली है। इन्होंने मुख्य परीक्षा से हिंदी को हटा दिया, संस्कृत को हटा दिया, इंग्लिश को हटा दिया। अब हिंदी को हटाने का लॉजिक तो किसी को समझ में नहीं आ सकता। दूसरा, इन्होंने उर्दू को शामिल कर लिया उसी कैटेगरी में। तीसरा, इन्होंने जो मूलवासी सामान्य जाति के छात्र थे उनको भी मैट्रिक की परीक्षा से वंचित कर दिया। जो नियोजन नीति जो पहले राज्य में लागू थी, जो आपकी सरकार ने, भाजपा सरकार ने लागू किया था, उसको लेकर हाईकोर्ट ने फैसला दिया कि यह नियोजन नीति जो है वो हाईकोर्ट का फैसला था, इसका निरस्त कर दिया गया। ये लगातार बातें आती हैं कि जो आज जो रोजगार का मसला जो गंभीर बना हुआ है इसके केंद्र में भाजपा है, क्योंकि आपकी बनाई नियोजन नीति की वजह से इतने सभी लोग फंसे हुए हैं। नहीं, देखिए, हमारी नियोजन नीति नहीं थी। हमारी नियोजन नीति में जो गैर अधिसूचित ज़िले हैं उनमें जो भी हम लोगों ने शत प्रतिशत वहाँ के लोगों के लिए आरक्षण दिया था उसको, उस पर उच्च न्यायालय ने कोई टिप्पणी नहीं की है। लेकिन इस राज्य सरकार ने अभी तक पंचायत सचिव अभ्यर्थी, स्पेशल ब्रांच के अभ्यर्थियों, होमगार्ड के जवानों और स्पेशल ब्रांच के जवानों जिनका रिजल्ट सिर्फ पब्लिश करना है, मेरिट लिस्ट पब्लिश करना, बाकी सारी प्रक्रिया हो गई है, उसको भी ये पब्लिश नहीं कर रहे हैं। तो ये सरकार ने फिर से नियोजन नीति लाकर इस राज्य को अशांत करने की कोशिश की। और एक और महत्वपूर्ण पॉइंट, जैसे आप अगर चले जाएं पलामू और गढ़वा के इलाके में
तो वहाँ बहुत सारे आपको भोजपुरी बोलने वाले यहाँ के स्थानीय लोग मिलेंगे। आप चले जाएं अगर गोड्डा और साहिबगंज के इलाके में तो अंगिका बोलने वाले यहाँ के मूलवासी मिलेंगे। यहाँ के बॉर्डर सटता है। बिल्कुल, लेकिन इन्होंने अंगिका और भोजपुरी को भी हटा दिया मुख्य भाषा से। इन लोगों के लिए एक राहत की सांस थी कि इनके पास हिंदी की का भी विकल्प था, इन्होंने हिंदी को भी हटा दिया। अब आप बताएं कि गढ़वा और पलामू के लोग और अगर आप भागलपुर से सटे गोड्डा और साहिबगंज की बात करें तो उन लोगों के पास तो कोई विकल्प ही नहीं बचा, ना अंगिका है, ना भोजपुरी है, ना हिंदी है। शादियों को लगता है कि ये लागू होने के बावजूद जो समस्याएं हैं रोजगार को लेकर दूर नहीं हो पाएंगे। नहीं, और क्षेत्र विशेष के साथ आपने अन्याय किया है, आपने हिंदी राजभाषा का अपमान किया है, आपने अल्पसंख्यक वोटों के तुष्टिकरण के कारण उर्दू को रखते हुए हिंदी को हटा दिया। तो हमारा घोर विरोध इस पे है और भारतीय जनता पार्टी सड़क से लेकर अदालत तक इस मुद्दे की छात्रों की लड़ाई को लड़ेगी। ये पूछने वाला था आखिरी सवाल मेरा, क्या आप लोग भाजपा पार्टी के तौर पर इस चीज़ को कहीं चैलेंज करने वाली है, कहीं जाने वाले हैं, मतलब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस और विरोध के अलावा? देखिए, हम तो जन जागरण अभियान चलाएंगे, पहले जनता को बताएंगे इनकी गलत नीतियों के बारे में, और दूसरा हमारे प्रदेश अध्यक्ष और शीर्ष नेतृत्व ये शीघ्र बैठ कर तय करेगा कि आंदोलन की क्या रूपरेखा होगी और हम क्या कदम उठाएंगे। लेकिन यकीन मानिए, इस नियोजन नीति को, इस राज्य विरोधी नियोजन नीति को हम लागू तो ना होने देंगे। प्रतुल शाहदेव साफ तौर पर कह रहे हैं कि यह नियोजन नीति जो वर्तमान कल कैबिनेट पास हुई है, यह क्षेत्र विशेष के लोगों को उसका बहिष्कार करती है, क्योंकि हिंदी को हटा दिया गया है, इंग्लिश को हटा दिया गया है तमाम मुद्दों पर। साथ ही ये कह रहे हैं कि पहले जन आंदोलन की जो रणनीति है वो तय करेगी पार्टी, इसके बाद जो भी चीज़ संभव होगा इस नियोजन नीति के विरोध में ये तय करेंगे और आंदोलन की रूपरेखा के बाद इस नियोजन नीति का विरोध करेंगे। आप देख रहे हैं द फॉलोअप, अपने सहयोगी ऋषभ के साथ में विवेक। नमस्कार। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। The followup.in लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब www.thefollowup.in